गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी में जो शक्ति विराजमान है उस भगवान को माता रानी को ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लाइफ में सभी समस्याओं का सभी प्रॉब्लम्स का जो समाधान है और जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उसमें हमारे मन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो भी समस्याएं आती हैं उनका सलूशन भी हमारे अंतर में ही छिपा होता है। मेडिटेशन ध्यान आपकी सभी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान है। ध्यान में कभी कभी बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम पूरी पूरी लाइफ लगे रहते हैं पर बात नहीं बनती है। बड़ी बड़ी बातों की ओर तो बात की जाने की बात है। मुझे पिछले 8-10 दिन में कुछ लोगों से बात हुई, कुछ के मैसेज आए। हम छोटी छोटी बातों से ध्यान की स्थिति को बिगाड़ देते हैं। और ध्यान दोस्तों, मेडिटेशन ध्यान उसकी कृपा होना एक हैपनिंग है, एक घटना है। हमने कहा कि आधा घंटा हमने जाप कर लिया, आधा घंटा ध्यान में बैठ गए, तो ये कर्म नहीं है। कर्म करते करते आपको उसमें डूब जाना है तो ही ध्यान की बात बनेगी। हम तो क्या कहते हैं कि 5 माला करनी है। अगर आनंद में बैठे हैं हो सकता 5 माला करने में 1 घंटा लग जाए। और कभी कभी इतनी जल्दबाजी में करते हैं, इतनी जल्दबाजी करते हैं कि वो माला 20 मिनट में कर लेते हैं। आपने देखा होगा कभी आप कोई बुक पढ़ते हो, बुक के 15 पेज पढ़ जाते हो, आपको होश ही नहीं होती क्या पढ़ा। और कभी 1 पेज में ही पूरा फंस जाते हो और वहां पे बहुत कुछ निकाल देते हो। जब भी आपको अपने पूजा रूम में जाना है, ध्यान की अवस्था में जाना है, तो आप कोशिश करें कि जरूरी काम निपटा लें उसके बाद जाएं। और जैसे जाएंगे वैसे वैसे पूर्ण रूप से समर्पित होकर जाएं। उसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रेजेंट में रहना। हमारी जहीं से हमारी स्थिति खराब होती है हमें प्रेजेंट में रहने की आदत नहीं है। तो आप अपनी प्रेजेंट में रहने की आदत को बनाएं। अगर खाना खा रहे हो तो फिर कोशिश करें कि मैं खाना ही खा रहा हूं, मैं और खाना है और कुछ नहीं। कभी कभी टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, न्यूज सुनते सुनते खाना खाते हैं, किसी फालतू चर्चा में
चर्चा करते करते खाना खाते हैं तो इससे आपका मन एकाग्र नहीं होगा। आपको छोटी छोटी बातों को जब आप ध्यान देंगे तो बात आपकी बन जाएगी। आपका हृदय चक्र बहुत विशाल है, बहुत विराट है। जब हृदय चक्र खुल जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो यही मन को ताकत देता है, यही मन का स्रोत है। मन की शक्ति हृदय चक्र की शक्ति से बहुत छोटी है, बहुत छोटी माने बहुत छोटी। तो जब आप मंत्र जाप करते हो, ध्यान करते हो, आप मन से बहुत परे चले जाते हो। जो हमारी समस्याएं हैं, हमारे संकल्प शक्ति में बाधा है, हमारे गोल को पूरा करने में बाधा है, वो आपके मन के कारण है। आप उन मन के कारणों को ठीक करें। सबसे पहले किसी के भी साथ आपकी कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, उसने बहुत ज्यादा आपके लिए गलत कहा है, इवन बहुत ज्यादा नुकसान किया है, तो उस इंसान को माफ कर दें, भूल जाएं, भाई तेरा मेरे साथ इतना ही रिश्ता था, अभी तू अपने घर में अपने घर, पर मन से माफ कर दें। तो कहीं आपसे ज्यादती हो गई है तो मन से क्षमा मांग लेना। इसका लगभग 20-25 लोगों का ये क्वेश्चन है, क्या होता है आप देखें। मैं आपको पूछूं, 3 वीक पहले मेडिटेशन में क्या बात हुई थी, तो आपको नहीं याद होगा। लास्ट संडे मेडिटेशन के बाद आपने क्या खाना खाया था, लंच क्या किया था, तो बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, कोई 10-20% को याद होगा। अगर किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई है, किसी ने आपको कोई अपशब्द कहे हैं, किसी ने आपका अपमान किया है, तो आज भी आपको याद होगा कि मैं इस क्लास में पढ़ता था, पढ़ती थी, तब ऐसा हुआ था, मैं आगे लाइफ में आया, उस बंदे ने ऐसा कहा, वो मैं जिंदगी में बात भूल नहीं सकती, भूल नहीं सकता। और जैसे आप मन में एकाग्र होकर ध्यान में जाते हो और वही बात फिर आपके संकल्प में बाधा डालती है, और जो कुछ 15 साल पहले घटना हुई थी, 20 साल पहले घटना हुई थी, हमारा कलेक्टिव माइंड, हमारा आज्ञा चक्र समझने लगता है, इस व्यक्ति को तो झगड़ा बहुत पसंद है, इस व्यक्ति को तो अपमान बहुत पसंद है, इसीलिए इतनी चीजों को याद रखे हुए हैं, तो फिर कोई ना कोई ऐसी घटना रिपीट करा देता है। जैसे आपको संकल्प करना है अपने लिए, तो आप संकल्प को लिख लें, और लिखने से आप में बहुत ज्यादा सक्रिय शक्ति आएगी और उसको ठीक करोगे। जैसे 4-5 बच्चों ने संकल्प रखा, और भी किसी ने रखा, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो मुझे तंदुरुस्ती चाहिए, मेरी कुछ अच्छी हेल्थ चाहिए, फिर भी बीमार हो गए, कुछ बीमारी आजू के हिसाब से आ जाती है, वेदर के हिसाब से आ जाती है, पर गहरी बीमारी आ जाए तो आप सोचना उसके कारण आप हो, बढ़िया बड़ी समस्या आ जाए उसके भी कारण आप हो, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसके भी कारण आप हो। आप अपने मन को बड़ा क्लीन करें, मन से क्लीन हुए
और जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया है उनके लिए जितना थैंक्स कर सकते हो शुक्रिया करें उनका। मैं बताने जा रहा था आपको, बावजूद इसके 35 साल का बच्चा है, 30 और लगभग मेरे विचार से जब वो 10th क्लास में बच्चा पढ़ता था मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आज माता रानी की कृपा से अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी स्थिति है फाइनेंशियली। उसने क्वेश्चन किया गुरुजी, मैंने संकल्प किया कि मुझे ठीक रहना है, हेल्दी रहना है। जब कोरोना शुरू हुआ तो मैंने संकल्प लिख के रखा और रोज साधना भी करता रहा और मेरा साधना से मनोबल बहुत ऊंचा रहा। पर मैं संकल्प जो लिखा हुआ था पढ़ता रहा, फिर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। उस बच्चे का प्रश्न है, मैंने उसको कहा कि मुझे जो संकल्प लिखा है तो व्हाट्सएप पर मैं पढ़ता हूँ। उसने एक लाइन लिखी कि माँ मैं आपका बेटा हूँ, गुरुदेव आपका बेटा हूँ, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, आप सदा मेरे साथ होते हैं, मुझे आशीर्वाद चाहिए। और 10 टाइम लिखा मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, यहीं पे ऐसी गलती है। आप जो चाहते हो वो लिखो, नेगेटिव शब्द बीच में कहीं नहीं लाओ संकल्प में। जैसे गुरुदेव कहा करते थे, अंधेरा दूर नहीं किया जा सकता, रोशनी लाई जा सकती है। गरीबी दूर नहीं की जा सकती, अमीरी लाई जा सकती है। अमीरी की बात करना, बीमारी दूर नहीं की जा सकती, तंदुरुस्ती लाई जा सकती है, तंदुरुस्ती की बात करना। और अपने संकल्पों को और सुदृढ़ करना, आप अपने संकल्प के बारे में अपने गुरुदेव से पूछ सकते हैं, मेरी भी हेल्प की जरूरत चाहिए, मैं भी आपके साथ हूँ। क्योंकि संकल्प ही हमारा मेन है। और दूसरी बात, जैसे हम किसी को माफ कर देते हैं, मान लीजिए मैं आप पर बहुत गुस्सा कर रहा हूँ, आप शांत रहते हो आगे से, तो नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ, जिसने गुस्सा किया। ब्लड प्रेशर किसका बढ़ा? मेरा। हार्ट बीट किसकी बढ़ी? मेरी। मन अपसेट किसका हुआ? मेरा। तो आप आज से एक नया संकल्प लो कि मुझे अपने आप को ही चेंज करना है, दूसरे को चेंज नहीं करना। कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, आप सिर्फ अपने आप को चेंज करें तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। और शक्ति क्रिया ध्यान एक ऐसा ध्यान है जिसमें लोग मैग्नेट की तरह आपके साथ जुड़ेंगे। ये ऐसा ध्यान है, आप खुद के हीलर बन जाओगे। और मैं चाहता हूँ आप किसी बीमार की खबर लेने जाओ, उसको मिलने जाओ, उससे फोन में बात करो, तो 2 मिनट आप बात करके हाल पूछ के उसको बोलो कि भाई तू 10 मिनट भगवान का ध्यान कर, मैं तुम्हें हीलिंग देता हूँ। आदमी को सच में राहत फील होगी। अगर ग्रुप में हीलिंग देते हो 10 लोग 15 लोग और राहत फील होगी। आप उसको पूरी हिस्ट्री पूछते हो, अभी कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, अभी किससे दवाई ले रहे हो, अभी उसने क्या कहा, दूसरा और कौन खबर लेने आया था तेरी, किसका फोन आया था, उससे पेशेंट ठीक नहीं होगा। उसको पॉजिटिव बात कहो, बताओ कि तेरे जैसे और 20 लोग कैसे कैसे ठीक हुए हैं, और मैं प्रार्थना में बहुत बल है, अपने इष्ट देव का ध्यान कर, मैं तुम्हें हीलिंग देता हूँ, देखना रात को फिर दूंगा। और दूसरे दिन आदमी खुद कहेगा मुझे हीलिंग दो, मुझे फल मिला है। और आपको भी बहुत खुशी होगी, बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि देवी देवता क्या है? तो देने वाले ना। तो आप अपने कर्म से देवी बन सकते हो, अपने कर्म से देवता बन सकते हो, और ऐसे गंदे कर्म करके राक्षस को भी शर्म आएगी आपको, ऐसे भी हो सकते हो। क्षमा करना, शुक्रिया करना,
थैंक्स करना जिस दिन हमारी आदत में शामिल हो जाएगा, हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। और जब ये तीन चीजें कर लोगे उसके पश्चात आप भगवान के चरणों में जाओगे। किस बातें छोटी छोटी हैं, मुश्किल भी नहीं है, पर प्रैक्टिकल रूप लाने में कठिनता होती है, कभी कभी कठिनाई होती है। आप जैसे जैसे ध्यान में जाओगे आपके ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। वो आप सोए हुए हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में हो, आप किसी पेशेंट को देख रहे हो, आप कोई केस में हो, वकील हो, तो आप इंजीनियर हो, कुछ कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप में चेंज हो। आपको कोई आप पे गुस्सा भी करता है तो हंस लेना, बोलना इसका काम हो गया, 5 मिनट लगा लिए, अभी आगे बढ़ो। आप देखोगे आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की, बेवकूफता गलती थी कि इसको भी चेंज करें, इसको भी चेंज करें, इसको भी चेंज करें, और सबसे आसान था अपने आप को चेंज करना और किसी की परवाह नहीं करना। कोई आपको कुछ भी कहता, कोई कहेगा आप तो बहुत कमजोर हो, ऐसे हाथ जोड़ते रहते हो, कोई कहेगा आप तो बहुत बेवकूफ हो, आपको तो काम ही नहीं करना आता। तो आप किसी की चिंता नहीं करना, अपनी मर्जी से चलना। आपका उसके साथ जब कनेक्शन हो गया ना, आपको किसी के कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। आपको लगेगा वो मेरे साथ है तो मुझे किस चीज की कमी। अभी हम मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप करते करते ध्यान में जाएंगे, और कुछ लोगों की संकल्प के बारे ईमेल थी, कुछ की दूसरी थी, उनको कुछ उनका जवाब मिल गया होगा। वाम रोम 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 मन में वाम रोम का जाप करें। वाम रोम 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 वाम रोम। कभी जब भी ध्यान इधर उधर होने लगे, थोड़ा उनके स्वर में जाप कर लें, साक्षी भाव को लाने की कोशिश करें। मैं ना तो शरीर हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं ना ही मन हूं, हे मां मैं एक तेरी छोटी सी रोशनी हूँ। माँ हे भगवान मैं तेरा एक छोटा सा अंश हूँ। भगवान मैं तेरा पार्ट हूँ, तो मुझे दुख क्यों? हे माँ जब आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसी भावना 4-5 बार दोहराएं इसको कि मां मैं आपका बेटा हूं, भगवती ईश्वर मैं आपका बेटा हूं, गुरुदेव
मैं आपका बच्चा हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को आप संभाल रहे हो, जिसके ऊपर आपकी शक्तियों की कृपा है, मुझके ऊपर मुझ पे भी आपकी ही कृपा है। मैं वर्तमान में हूं। पास्ट को भूलें, फ्यूचर को भूलें, वर्तमान में आने की कोशिश करें। आप और माँ हैं, आप और भगवान हैं, आप और आपके इष्ट देव हैं, दूसरा कोई नहीं है। मन में वम रूम का ध्यान करते रहे। मेरे मन से दूसरों के लिए जो भी गलत विचार है मैं निकाल रहा हूँ उनको। किसी के लिए भी बुरे विचार हों उनको निकाल दें। ये कलयुग का प्रभाव है, कितना भी निकालते हैं फिर वापस आते हैं। धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। इसका एक और मजा है, जब हम किसी के लिए गलत विचारों को बार बार निकालने लगते हैं उसकी अच्छी बातें याद आती हैं। जैसी अच्छी बातें याद आने लगी उसके लिए उस परमात्मा का, उस व्यक्ति का भी थैंक्स करें, शुक्रिया करें। ऐसा कहते हैं हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। पर मैं आपसे कहता हूं, आप अपने संस्कार, अपने पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म की अच्छे कर्मों की शक्ति, बुरे कर्मों की शक्ति आप लेके आए थे। और इस जन्म में जो भी आपने अच्छे कर्म किए वो आपके साथ हैं। लोग सब भूल जाएंगे आप कितने अमीर थे, कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, कितना दान किया, कितना पुण्य किया, आपने आम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया। वो संस्कार आपके साथ जाएंगे, आपको याद आएगा, आपके पास वक्त नहीं होगा माफी मांगने का भी, क्योंकि किसी को पता नहीं कब चले जाना है। आप साथ साथ में ही निपटारा करें। कितने ही दूसरों को खुशियां दे सकते हो, खुशियां देने की कोशिश करो, खुशियां ही आपको वापस मिलेगी। कितना प्यार दे सकते हो दूसरों को, प्यार देने की कोशिश करो, प्यार कई गुना होकर वापस मिलेगा। जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हो दूसरों को, उतनी रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो, रिस्पेक्ट वापस मिलेगी। आप करके देखो, उसके बाद भक्ति शुरू होती है।
आप मन से लीन हो रहे हैं, मन से किसी के साथ भी कुछ नकारात्मक था उसको भूल रहे हैं। अभी बॉडी के 7 चक्र की क्लीनिंग करेंगे। मूलाधार चक्र को, पहले चक्र को क्लीन करें अपने आज्ञा चक्र से। मूलाधार चक्र को रिलीज देने की कोशिश करें। मेरा मूलाधार चक्र क्लीन हो रहा है। सभी चक्र का क्लीन होना बहुत जरूरी है, उसी से आप अच्छी हीलिंग ले सकते हो, उसी से आपका अच्छा संकल्प हो सकता है। मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। हे माँ, मैं तो आपका बेटा हूँ राजेश्वरी। माँ दुर्गा, आप मेरी माँ हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। माँ आप हैं तो सब कुछ है। माँ ऐसे सेकंड चक्र को, काम चक्र को क्लीन करने की कोशिश करें। इस चक्र के बिगड़ने से भी बहुत अनर्थ होते हैं, हमारे बिजनेस के डिसीजन गलत हो जाते हैं, जिंदगी के डिसीजन गलत हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। अब आप नाभि चक्र को क्लीन करने की कोशिश करें। नाभि चक्र हमारी बॉडी का धुरा है। जैसे नाभि चक्र क्लीन होता है, हमारी बॉडी को शक्ति मिलती है, नए सेल को शक्ति मिलती है। जिनको किडनी की लिवर की प्रॉब्लम हो उनको नाभि चक्र में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नाभि चक्र से नीचे की कोई प्रॉब्लम हो तो भी नाभि चक्र और दूसरे चक्र पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड चक्र उसके अलग अलग से ध्यान है। ऐसे हृदय चक्र को खोलें, ओपन करें। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड आपका है, पूरा यूनिवर्स आपका है, तो वहां प्यार ही प्यार है। और आप किसी को कुछ दे रहे हो बड़े प्यार से, दें किसी से कुछ चाहिए नहीं, आपको देने की शक्ति रखना। आप देखेंगे भगवान कितना दे रहा है। जैसे किसी को आप क्रोध दोगे, गुस्सा करोगे, आगे से क्या आशा करते हो, तो प्यार करेगा। हाँ, अगर आप साधना में हो तो गुस्से वाले को भी प्यार करोगे, क्योंकि उसके ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपका तो अपने आप के ऊपर कंट्रोल है ना। जब उसने गुस्सा किया, आप चुप रहे, मुस्कुराए, और कोई अपना है तो बोल दो भाई और क्रोध निकालना है कुछ है बाकी, तो फिर मजा आ जाएगा, दोबारा उसका क्रोध भी कम हो जाएगा। कंठ चक्र पे जाए, इससे वाणी की सिद्धि मिलती है, वाणी की शक्ति मिलती है। नेक्स्ट हम कंठ चक्र की बात करेंगे और आज्ञा चक्र। मन में आज्ञा चक्र का ध्यान करें और डीपली ब्रीथ लेने की कोशिश करें। सांस लें, सांस को रोकें और फिर निकालने की कोशिश करें।
साक्षी भाव से श्वास को सांस को महसूस करने की कोशिश करें। ऐसी भावना आप और सांस ही रह जाए, सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं। सांस छोड़ रहे, सांस ले रहे, सांस जो हम प्राण कहते हैं, प्राण सीधा कनेक्शन उस परमात्मा के साथ, परमात्मा को महसूस करने का सबसे मजबूत स्तंभ प्राण। जब प्राण निकल जाते हैं तो जिसको आप कहते हैं कि मेरा शरीर मेरा मन तो यहीं रह जाता है, प्राण के साथ निकलने के साथ ही आपका कनेक्शन उसके साथ हो जाता है, फिर दूसरे जन्म में चले जाते हैं। धीरे धीरे इष्ट के साथ हो जाए, हे भगवान, हे ईश्वर, मैं आपका बच्चा, आपकी बहुत कृपा है माँ, आप मेरे जैसे पुत्र की कृपा करती हैं माँ। जब से माँ आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे बारे में आ रहे हो रहे हैं माँ, माँ आपकी कृपा से लोगों का भला तो आप करती हो, पर मेरे द्वारा कराती हो, मुझे कितनी शांति मिलती है, कितना अच्छा लगता है माँ। माँ अपने चरणों में और लगाओ माँ, बस आप और माँ की शक्ति, आप और भगवान की शक्ति, आप और ईश्वर की शक्ति, दूसरा कोई नहीं। आप शक्ति के साथ हो, आप उस कृपालु दयालु परम शक्ति के साथ हो, बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करता है। जब आप इधर उधर भटकते हो तो उसको कष्ट होता है, शक्ति वो आपको कुछ देना चाहती है, आप देना नहीं चाहते हो। मन का कनेक्शन उसके साथ जितना दूसरों का ध्यान रख सकते हो कर, आपके कृष्ण ने, आपके गुरु जी ने, माता रानी ने
आपके ऊपर कृपा कर दे। ऐसी भावना करें, आपका संकल्प आपका गोल पूरा हो गया। कुछ लोगों की ऐसी बात भी है कि उनको दुनिया में सब कुछ मिल गया, अभी तो इच्छा नहीं है। तो सीधा भगवान का ध्यान करें, वो ही आपका गोल है, उसकी कृपा होनी चाहिए, ये भी आपका गोल है। हेमा, मुझे और हीलिंग की शक्ति देना माँ, और लोगों का भला कर पाऊं ऐसी शक्ति देना माँ, और अपने चरणों में लेके जाना माँ। आंख बंद करके जिसको हीलिंग देना चाहते हो उसका फेस सामने लाने की कोशिश करें। और जहां भी उनको तकलीफ है वहां पे उन्हें जिस देखने की कोशिश करें। इस प्रैक्टिस को रोज करने की कोशिश करें, आप देखेंगे आपको कितना आनंद आता है। जब आपका उस परम शक्ति के साथ कनेक्शन होता है, तो उस कनेक्शन की रेजेज को जब किसी पे आप ट्रांसफर करते हैं, उसका भला करते हैं। शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा, जैसे जैसे आपका अभ्यास हो जाएगा आप साधना में लीन हो जाएंगे और ध्यान की शक्ति में चले जाएंगे, आपको एक मिनट में दो मिनट में भी आप लीन कर पाओगे। आपका माता रानी ने संकल्प पूरा कर दिया, पिक्चराइज करें, विजुलाइज करें प्रेजेंट में। गुरु महाराज का माता रानी का थैंक्स करें, नीलकंठ मुद्रा करें। धीरे धीरे हाथ को उठाएं आंखों में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महारानी बहुत बहुत कृपा करें, आपके संकल्प पूरे हों, आपके गोल पूरे हों, आप आगे बढ़े, भगवान आपको अपने चरणों में लगाए। ऐसे ही साधना करते रहें, खुश रहें, फिर आपके माता रानी को भगवान परमात्मा करता हूँ।